अस्सलामुअलैकुम। खबरदार, कोई घर से बाहर न निकले, मौसम क्या तबाही फैलाने वाला है। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी, इमरजेंसी अलर्ट जारी। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से ही वक्फे से तूफानी बारिश का सिलसिला जारी है। ली मार्केट में मेमन मस्जिद के करीब एक शख्स बिजली का करंट लगने से जाबहक हो गया। सिंधबर समेत कराची में बारिशों का नया सिस्टम पहुंच चुका है, जो कि शहर के ऊपर ही मौजूद है। कराची में रात गए से हल्की और तेज बारिश के सबब सड़कों पर पानी जमा हो गया। नशेबी इलाके जेरी आब आ गए, नदी नाले बिफर गए, नागन चौरंगी झील बन गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और शहरी घरों में महसूर हो गए, जबकि मुतादी इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में तूफानी हवाओं के साथ 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, जबकि शहरियों को बिला जरूरत घरों से बाहर न निकलने की हिदायत की गई है। हुक्काम का कहना है कि बारिशों का मौजूदा सिस्टम मंगल के रोज तक कराची समेत सिंधभर में मौजूद रह सकता है, इसलिए शहरी एहतियात करें और अपने अहल खाना का भी खास ख्याल रखें।